गुड मॉर्निंग। आज है महाअष्टमी और हमारा फास्ट है। सुबह के 9 बज गए तो हमने पूजा कर ली नहा धो के, और महाअष्टमी के पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज अष्टमी है, कल नवमी है और कल ही दशहरा भी है, तो कितने अच्छे दिन है ना। वाह, बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल तो आज हमारा फास्ट है, खाना वगैरह कुछ बन नहीं रहा है, तो मैं चाय बना रही हूँ। और हस्बैंड से मुझे पूछना है कि क्या लेके जाओगे। एप्पल उनको दूंगी आज मैं, और मखाना अभी फ्राई करती हूँ। तो वो अभी बाहर फोन पे बात कर रहे हैं, घर से फोन आया ना पापा लोगों का, तो वो उनसे फोन पे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूजा करी, सबसे पहले झाड़ू लगाया और उसके बाद मैंने मंदिर में पोछा लगाया है, फिर उसके बाद नहा धो के पूजा करी थी, और उसके बाद उसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ है। तो बाकी सारे काम अभी वैसे ही पड़े हुए हैं पेंडिंग, तो वो करने हैं। और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी आज, ये मैं पैंटालून से लाई थी, आप सबको याद होगा वैसे। तो ये भी येलो कलर की, येलो कलर मैंने पहन लिया आज। लॉन्ग कुर्ती है, मुझे अच्छी लगती है, ए लाइन कुर्ता कहते हैं इसको, तो अच्छी है। इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, मोटा मोटा सा, तो वैसे पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। और अभी हल्की हल्की सी ठंड भी हो रही है सुबह के टाइम पे, और बाहर ऐसा लग रहा है ना, धूप इतनी अच्छी धूप आई है बाहर, तो लग रहा है कि धूप में जाके खड़े हो जाऊँ थोड़ी देर। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि, महाअष्टमी और महानवमी की बहुत बहुत बधाइयां, और माता रानी की ये 9 दिन आप सभी के लिए खूब फलदायी हों, आप लोग स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें, और जल्दी से ये कोरोना जैसी बीमारी को भगा दे, खत्म कर दे। सुनो, मैं ये कह रही थी, मखाना खाओगे इसके साथ? नहीं, तो मैं कटके वाली चाय बनाऊं? ऑफिस के लिए डाल दूं? कमरे की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, भूचाल आया हुआ है। हस्बैंड भी आज कपड़े फोल्ड नहीं करके गए, और बेड भी मैंने अभी समेटा नहीं है, अभी वीडियो अपलोडिंग पे लगाया था, वीडियो अपलोड हो चुका है, अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जब तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है ना, तो तब तक इसी में लगे रहना पड़ता है, इसी के पीछे बार बार इसी को चेक करते रहो, तो इसलिए बाकी काम ऐसे रह जाते हैं। तो अब मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी, और बाहर हल्की हल्की सी धूप आ रही है, और अब थोड़ी देर के बाद, आधे एक घंटे के बाद कमरे के अंदर भी धूप आती है इस वाले रूम के अंदर, तो बहुत अच्छा लगता है। अब सर्दियों में तो इसी वाले रूम पे बैठे रहती हूँ मैं, क्योंकि धूप आएगी सारे काम वाम ख़त्म करके यहाँ पे स्टूल लगा के, एक दो घंटे यहाँ पे भी धूप आती है, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। उसके बाद बाहर बालकनी में तो है ही जगह, वहाँ पे तो आती ही है।
तो शाम के 4:45 बज गए हैं और सुबह से अभी मैं ब्लॉग दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने काफी सारे गाने डाउनलोड किए हैं। आप लोगों ने जो कमेंट करके बताया था वो भी मैंने सर्च करके डाउनलोड किए, जो जो मुझसे हो पाए, और थोड़े बहुत मैंने भी सर्च करके खुद से डाउनलोड किए हैं और काफी सारे सॉन्ग हो चुके हैं। अभी मैं और करूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा ना, जब बहुत सारे सॉन्ग्स होंगे, नए पुराने सब मिक्स करके मैं डाउनलोड कर रही थी तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया और आंखों में बड़ा पेन हो गया था उसके बाद, क्योंकि लगातार लैपटॉप स्क्रीन पे आंखें जमा के रखना ना बहुत दिक्कत होती है, उससे आंखों में दर्द होने लगता है, तो इसलिए थोड़ी देर में लेट गई थी। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और डिनर के लिए आज मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है मेन्यू। वैसे तो मैं फास्ट के दिन पहले ही डिसाइड करके रख लेती थी कि मुझे ये बनाना है वो बनाना है, लेकिन घर पे एक्चुअली सब्जी भी नहीं है आज, कोई भी सब्जी नहीं है, आलू रखे हुए हैं, लहसुन प्याज तो हम यूज कर नहीं सकते, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं है, धनिया भी नहीं है, हरी मिर्च भी नहीं है, टमाटर रखे हुए हैं, तो आलू बॉइल करके मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, तो देखती हूँ क्या बनाना है। और मीठा भी देखती हूँ, मन तो कर नहीं रहा मीठा खाने का, देखते हैं क्या बनाना है। फिलहाल बाहर पे बिल्लो आई हुई थी तो उसको क्या कहते हैं बिस्किट वगैरह खिला दिया है मैंने, और बाहर घूम रही है वो, बर्ड्स को देख रही है, तो अब वो अपना टाइम पास करेगी और मैं जाती हूँ किचन में। फिर मैंने वॉश करके रखा था तो ये भी मुझे रखना है। आज हस्बैंड कुछ भी नहीं लेके गए हैं, एप्पल लेके गए थे दो, वो दो एप्पल मैंने उनको दे दिए, काट के नहीं लेके जाते, साथ में नाइफ लेके जाते हैं तो वहीं कट कर लेते हैं, तो इसीलिए टिफिन आज घर पे ही है। इसको मैंने साफ करके, और इसका बैग भी मैंने अच्छे से सुखा लिया था धूप में। जितने भी टिफिन है ना मैं वो सारे यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि यहाँ से उठा के फटाफट खाना पैक करने के लिए सही रहता है, और टिफिन वाला बैग भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और कल के लिए मैंने काबुली चने भिगो के रख दिए हैं, मतलब कि छोले, तो कल मैं बनाने वाली हूँ छोले, और मन हुआ तो मैं आलू भी डाल दूंगी इसमें, अदरवाइज लहसुन प्याज डाल के कल से तो ग्रेवी बनाएंगे अच्छी सी। और दूध ये दो दिन से रखा हुआ है, ख़त्म नहीं हो पाया, हमने पिया ही नहीं है, तो आज ये भी ख़त्म करना है। और ये मिर्च का अचार है जो मैंने लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर तो नहीं, इसी साल जनवरी के टाइम पे मैंने डाला था, और लाल वाली मिर्च भी डाली थी मैंने, वो ख़त्म हो गई, सिर्फ हरी वाली मिर्च बची हुई है, अब इसमें दो या तीन मिर्च है, फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है, फिर ये कंटेनर खाली हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने इसको सामने में निकाल के रखा हुआ था कि याद रहे, हम लोग खाना ही भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा ऐसे रह जाता है, हम लोग भूल जाते हैं ना। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं डिनर में क्या बनाने वाली हूँ, तो सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी मैं, आलू सोयाबीन, क्योंकि आलू की सब्जी तो मैंने परसों भी खाई थी, तो आलू आलू भी इतना नहीं खाया जाता है ना, तो इसलिए मैं सोयाबीन भिगा के रख देती हूँ, और आलू सोयाबीन की सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है मुझे, लेकिन इसमें लहसुन प्याज होता तो और अच्छा लगता है, लेकिन टमाटर और अदरक डाल के मैं ग्रेवी बनाऊंगी वो भी अच्छा लगता है। तो गर्म पानी में भिगा देती हूँ मैं, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि इम्प्योरिटीज इसमें से सब खत्म हो जाए। और हमारे यहाँ व्रत के दिन ना नॉर्मल रोटी सब्जी खा लेते हैं, लेकिन सिर्फ लहसुन प्याज नहीं खाते, बाकी तो नॉर्मल रोटी सब्जी तो हम खा ही लेते हैं, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है ना कुट्टू के आटे की पूरियां बनती हैं और गेहूं का आटा नहीं खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ों में गेहूं का आटा खा लेते हैं। मखाने फ्राई करने के लिए रखती हूँ और दूसरी तरफ चाय रखूंगी, तो सबसे पहले मखाने के लिए घी डाल देती हूँ मैं, और ये मैंने घर पे बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा हो रहा है ये वाला घी, और ये वाली कढ़ाई मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ क्योंकि इसमें मैं तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, कोई सब्जी भी नहीं बनाती, ये ऐसे रखी रहती है, कभी जैसे रायता वगैरह बना लिया वो रखने के लिए काम आता है ये, और इसको मैं चूल्हे पे बहुत कम चढ़ाती हूँ, बहुत ही कम, तो इसलिए मैंने सोचा कभी नहीं चढ़ती है तो आज बना लेते हैं इसमें। चाय मखाना बन गया है मेरा, मतलब मखाने फ्राई हो चुके हैं, और मैं जाऊंगी अंदर वाले रूम में चाय पीने के लिए।
आज है संडे, सुबह के 10:30 बज गए हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। घर का काम कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज क्या हुआ, हम लोग काफी लेट में उठे, 8:30 बजे के टाइम पे उठे और हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो आज तो उनका सबसे ज्यादा काम रहता है, तो टिफिन बनाने का टाइम भी नहीं मिल पाया, वो 9:30 बजे निकल गए। तो अब क्या है कि वो खाना बाहर से खा लेंगे, मतलब क्योंकि उनके ऑफिस के बाहर पे खाना अच्छा सा मिलता है, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, तो वहां से खाना पैक करा के वो ले आएंगे, तो खाने का तो वो कर लेंगे। ब्रेकफास्ट में मैंने मैगी बना ली थी, चाय बना ली थी, चाय के लिए दूध भी नहीं था, दूध भी खत्म हो गया था, तो पाउडर वाली चाय बनाई है, और घर में सब्जी भी नहीं है, मैंने कल ही बताया था आपको, तो राशन भी खत्म हो गया आज, तो चावल भी नहीं है, तो देखते हैं क्या करना है। आज पहली बार ऐसा हुआ है घर में सब्जी नहीं है, दूध नहीं है और राशन नहीं है, तो वैसे मैंने छोले भिगो के रखे हैं, लेकिन अब अकेले के लिए बनाने के लिए बहुत सारे छोले हो जाएंगे, तो रात को भी वही खाने पड़ेंगे, तो देखती हूँ। प्याज टमाटर तो थोड़ा बहुत रखा हुआ है, और आज है दशहरा और नवमी, और दशहरा एक ही दिन है, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी नवमी और हैप्पी दशहरा। तो मैं क्या कर रही थी, मैं गाने डाउनलोड कर रही थी। आजकल गाने डाउनलोड करने का ना धुन चढ़ी हुई है, आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स मुझे बताए हैं, मूवीज के नाम सजेस्ट किए हैं, तो उनसे भी सर्च कर करके मैं डाउनलोड कर रही हूँ। और हस्बैंड को पसंद है गजलें, तो एक दो गजलें वो बता के गए हैं, तो वो भी मैं सर्च करके डाउनलोड कर रही हूँ। उनकी फेवरेट गजल है, मैं आपको बताती हूँ। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तो यही बता के गए थे वो डाउनलोड करने के लिए। और मेरी आवाज बहुत ही खराब है, गाना गाने के मामले में मैं एकदम जीरो हूँ, तो आप इसको इग्नोर करना। तो ये गजल मैं अभी डाउनलोड करूंगी सर्च करके, और उसके बाद घर के सारे काम ऐसे पड़े हुए हैं, काम भी मुझे कंप्लीट करने हैं, और आज मैंने हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया हुआ इस तरीके से, ये थोड़ी देर का ही है क्योंकि थोड़ी देर में मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं इसे खोल दूंगी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और छोले मैंने रात को भिगो के रखे थे तो अच्छे से भीग चुके हैं, और वैसे तो मैं मॉर्निंग में बनाने वाली थी, लेकिन मॉर्निंग में टाइम नहीं हो पाया, और छोले बनाने में टाइम लगता है और हस्बैंड को जल्दी जाना था, तो इसलिए मैं छोले नहीं बना पाई, तो इसलिए मैं ये सारे छोले अभी बना दूंगी लंच में, और ये हमारा डिनर भी हो जाएगा रात का। इसके साथ मैं रोटियां बना लूंगी, और दोपहर में मैं चावल बनाऊंगी। चावल एक्चुअली जो रेगुलर वाले राइस होते हैं वो तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो मैं बासमती राइस लेके आई थी वो थोड़े बचे हुए थे, तो इसके साथ मैंने जीरा राइस बनाए थे। बस आज का लंच बनके तैयार हो चुका है, छोले, और इसमें मैंने एक आलू डाल दिया था बॉईल करके, एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो वो मैंने इसी के साथ मिक्स कर दिया बाद में, और इसी के साथ मैं आज का छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।